केंद्र की मोदी सरकार ब्रिटिश शासन से ज्यादा अत्याचारी और दमनकारी है। यह सरकार किसान विरोधी, मजदूर विरोधी है और किसानों को गुलाम बनाकर निर्वासित करने का काम करी है। किसानों को बर्बाद करने के लिए 3 काले कृषि कानून लाए गए हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को हटाए बिना देश के मेहनती किसानों के अच्छे दिन नहीं आने पर उनकी आलोचना की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने फैजपुर में धनाजी नाना कॉलेज के परिसर में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी काले कानूनों को जलाकर अपने उत्तर महाराष्ट्र दौरे की शुरुआत की, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ग्रामीण सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस समय प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष प्रणीति शिंदे, प्रदेश उपाध्यक्ष शिरीष चौधरी, किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम पांडे, प्रदेश प्रवक्ता अतुल लोंडे, पूर्व मंत्री शोभाताई पचौ, डॉक्टर उल्लास पाटिल, जलगांव जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संदीप पाटिल, प्रमोद मोरे सहित कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नाना पटोले ने कहा कि केंद्र की अत्याचारी मोदी सरकार किसानों को समय नहीं दे पाई। 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 7 महीने से दिल्ली सीमा पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन में 400 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जो हेग से कुछ ही दूरी पर है, इन किसानों से एक साधारण मुलाकात भी नहीं की। जहां किसान ठंड, बारिश और धूप में विरोध कर रहे थे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में अपने अभियान में व्यस्त थे। यह कांग्रेस की भूमिका है कि इन ईमानदारी कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आम जनता के लाभ के लिए संसद और संसद के बाहर भाजपा की अत्याचारी सरकार के खिलाफ लड़ रही है और आगे भी करती रहेगी। कांग्रेस के लिए जनता का हित सर्वोपरि है। देश में कोरोना की स्थिति से निपटने में मोदी सरकार भी विफल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर अहम सलाह दी थी, लेकिन देश को हजारों की कुर्बानी देकर इस पर ध्यान न देने की कीमत चुकानी पड़ रही है। कल राहुल गांधी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आगाह किया और उचित कदम उठाने की मांग भी की। पिछले 2 लहरों में निर्दोष लोग मोदी सरकार की अक्षम गलतियों का शिकार हुए हैं। नाना पटोले ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द जागना चाहिए और समय पर बचाव के उपाय करने चाहिए। मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल में देश में अराजकता पड़ी है। फसल बीमा योजनाओं से भी किसानों को लूटा जा रहा है। कांग्रेस पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रही है। कोरोना संकट के चलते बड़ी संख्या में लोगों का सड़कों पर आना प्रतिबंधित है, लेकिन कांग्रेस ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है और आगे भी करती रहेगी। मोदी सरकार के दौरान उनके गिने चुने उद्योगपति मित्रों को ही फायदा हुआ है और आम जनता को बेसहारा छोड़ दिया गया है। 2024 के चुनाव में जनता भाजपा को उनकी जगह दिखाएगी। नाना पटोले ने जलगांव जिले में विभिन्न स्थानों पर किसानों से बातचीत की और उनकी दुर्दशा के बारे में जाना और कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और साथ ही कोरोना केंद्र का दौरा किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने जगह जगह पटोले का स्वागत किया। किसान विरोधी 3 काले कानून बनाए, उसका दहन करने का काम हमने किया है, क्योंकि फैजपुर की भूमि इसलिए पहचानी जाती है कि अंग्रेज के जब राज में जब किसान विरोधी जो अंग्रेज की भूमिका थी, उसके विरोध में कांग्रेस का 50वां अधिवेशन फैजपुर में हुआ था और यहाँ पर ही किसान के लिए कैसे कानून रहना चाहिए, यह भूमिका उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता के नीचे में महात्मा गांधी जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ऐसे सब बड़े नेता के अध्यक्षता में और 1.5 लाख लोगों के बीच में यह अधिवेशन हुआ था। और आज वही समय आया है कि वो तो गोरे थे, लेकिन आज दिल्ली में बैठी हुई सरकार 6 महीने से जो किसान 3 काले कानून के विरोध में जो लड़ रही है और देश का प्रधानमंत्री उनसे बात करने को उनके पसीने की भी बदबू सहन होती नहीं, ऐसे व्यवस्था के विरोध में और वो 3 काले कानून के विरोध में फैजपुर में हमने आज 3 काले कानून का दहन किया है। तुरंत केंद्र सरकार ने 3 काले कानून बदलना चाहिए, ये मांग कांग्रेस फैजपुर के इस पवित्र भूमि से करती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।